नमस्ते दोस्तों, मैं देवेश, टेक्निकल हेड आलू डेकोर। आलू डेकोर की तरफ से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे इस पहले सेशन में। कोरोना वायरस के कारण आज हमारा पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। इस दौरान आलू डेकोर की तरफ से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक मेटल कॉम्पोजिट पैनल्स की जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि आपको इसकी सारी खूबियों के बारे में पता चल पाए। इसके लिए हमने कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम सिर्फ एक खूबी मेटल कॉम्पोजिट पैनल्स की डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसे ही सारे छोटे छोटे वीडियोस में हम बाकी सारे खूबियों को एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। आज का हमारा सेशन एल्यूमिनियम के ऊपर है। एल्यूमिनियम जो कि एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल्स का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। एल्यूमिनियम के तीन अलॉयज एसीपी में यूज किए जाते हैं, 1100 या 1100, 3105 और 5005। 1100 हम इंटीरियर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक्सटीरियर्स जो कि उन बिल्डिंग में इस्तेमाल होगा जो कि सिर्फ 10 मीटर से कम हाइट की हो, या जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स। 3 फ्लोर्स के ऊपर इसका इस्तेमाल हम आपसे कहेंगे कि ना करें। इसी कारण से इस पर्टिकुलर अलॉय का हम सिर्फ 0.25 तक का थिकनेस आपको देते हैं। इनसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों के लिए हमारा 3105 अलॉय आपके पास आता है। 3105 अलॉय ज्यादा ताकतवर है, इसमें ज्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंस की या ऑक्सीडेशन ना होने की खूबी है, जिसके कारण इसे ऊंची बिल्डिंगों में ज्यादा और एक्सटीरियर्स में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें आप। 3105 हम सिर्फ 0.5 की थिकनेस में देते हैं। 5005 कोस्टल रीजन्स या समुन्दर के पास के इलाकों के लिए है। इन इलाकों में हमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस या ऑक्सीडेशन का डर ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर 5005 का एलॉय का यूसेज ज्यादा करना चाहिए। 5005 हम 0.5 की थिकनेस में देते हैं। 0.25 और 0.5 का थिकनेस इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इससे हम विंड लोड को भी मापते हैं कि कितना विंड लोड हमारे पैनल के ऊपर आ रहा है। ये पैनल के ऊपर जो विंड लोड आता है, ये पैनल के डेड लोड से ज्यादा होता है। कभी कभी लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि विंड लोड कितना ज्यादा हो सकता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि विंड लोड हमारा 150 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर लगता है 3 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंगों पर, और ये 360 किलोग्राम तक जा सकता है। इसी हिसाब से हम पेंट और बाकी कोर और बाकी सारी चीजों का डिसीजन लेते हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी हिसाब से आप हमारे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। आने वाले बाकी वीडियोस में भी हम एक एक टॉपिक को लेकर के आपसे बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। आगे वाली जानकारियों के लिए आप हमारे आगे वाले वीडियोस देखते रहें, और तब तक सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को हम हरा कर रहेंगे। जय हिंद।